हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे आज जो है सेकेंडरी वैलिडेशन का अलॉटमेंट आया था। बच्चों की रैंक आई थी कि आज आपकी कौन सी क्या पोजीशन है। बहुत कुछ चेंजेस फर्क देखने को मिला। क्या क्या चेंजेस आए भैया? क्या कट ऑफ एनालिसिस हुआ है? क्या हमारी इतनी वेटिंग लिस्ट चल रही है? हम 300 वेटिंग लिस्ट है, हम 10 वेटिंग लिस्ट है। बहुत सारे बच्चों की यार मतलब ऐसी क्वारी आ रही है, भैया मेरे EWS के अंदर 10 वेटिंग लिस्ट में चल रहा हूँ, कोई 20 चल रहा है, कोई जनरल कैटेगरी में 300 चल रहा है। ओके, तो यार कट ऑफ का क्या सीन रहा? कितने कितने कम हुए? मैक्सिमम कितने बच्चों के कितने कम हुए? ओके, तो यार मैक्सिमम जो पोर्टल गया है एटलीस्ट 171 172 तक भी कम हुए हैं बहुत सारे बच्चों के। ओके, और जो अगर अपन बात करें एवरेज स्टूडेंट्स के जो कम हुए हैं वो तकरीबन 150 से 160 रैंक एकदम नीचे गई है। ओके, देन अगर मैं बात करूँ फर्स्ट की, तो यार फर्स्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा चेंजेस आया था, लेकिन सेकंड के अंदर इतना चेंजेस नहीं आया है। अब मेरे पास कोई स्टूडेंट है जेड। ओके भैया, तो जेड स्टूडेंट की जो है अभी 350 पे चल रही है सिचुएशन, और अभी अलॉटमेंट नंबर 12 आ चुका है। अगर मैं बात करूँ 17 नंबर तक, तो उसकी अगर 10 10 भी अगर कम हो तो उसका सिलेक्शन नॉर्मली ऐसा लगता है कि नहीं होगा। सभी को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 17 तक चलेगा, राइट? अभी जो 17 पे अगर उसका 10 10 भी कम हो, ठीक है, अगर बीच की सिचुएशन की अगर अपन बात करें तो वैसे किसी में किसी का 10 भी कम हो रहा है, किसी में 20 कम हो रहा है, किसी में डायरेक्टली 50 भी कम हुआ है। ओके भैया, तो यार ये 10 10 2 2 एटलीस्ट अभी जो राउंड चले थे एटलीस्ट 9 10 11 12, ओके 12 में तो थोड़ा चेंजेस आया, लेकिन हाँ 11 10 9 के अंदर इतना ही चेंजेस आ रहा था। एरो स्पेस में तो किसी किसी बच्चे का तो चेंज आ ही नहीं रहा था, या फिर एक किसी का एक आ रहा था, किसी का दो, किसी का पांच सात। ओके, तो इतना ही चेंजेस आ रहा था। अब भैया ये चेंजेस कब आएगा? एटलीस्ट बच्चे जोसा की सीट या फिर IIST से सीट विड्रॉल करेंगे कि नहीं करेंगे? यार कब करेंगे? जल्दी कर लो, जिनको करना है, बहुत ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो अब यार जिन बच्चों को जोसा के अंदर सीट मिल चुका है और यहाँ पे लेना चाहते हैं, और यहाँ पे कोई मतलब कोई भी होप नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यार उनकी क्या स्ट्रेटर्जी होनी चाहिए? तो यार उनका ऐसा भी ना हो कि वहां पर भी सीट बची रहे जब तक एडमिशन ना हो, और यहाँ पर भी फुल चांसेस रहे, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटर्जी होनी चाहिए तुम्हारी? तो क्या सीन है उसका? तो यार सबसे पहले अपन चेक करते हैं CSAB की, जैसे टेंटेटिव आई थिंक जो भी डेट है। ओके, CSAB काउंसलिंग जो हो रही है। ओके, और फिर अपन चलते हैं कि जो इसका स्पॉट राउंड है, जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हो रही है, वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं 300 400, तो उनकी कब होगी, क्या पोजीशन है? तो यार सभी को पता है उनकी जो है वो। ओके, तो इसकी डेट्स आ चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यार आगे की अपनी क्या स्ट्रेटर्जी होनी चाहिए? तो यहाँ पे चेक करो कि 30 तारीख को जो है ना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और 2 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा स्पोर्ट राउंड का। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट आफ्टर जोसा राउंड 27 तारीख, रजिस्ट्रेशन पेमेंट्स और पार्टिसिपेशन प्रोसेस फीस चॉइस बिलिंग 28 तारीख, रजिस्ट्रेशन पेमेंट फीस चॉइस बिलिंग ओके 30, और डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट फर्स्ट राउंड का 2 दिसंबर को आने वाला है। ओके, और यही सेम सिचुएशन चल रही है इसकी 2 दिसंबर को कितनी बजे? 11 बजे। ओके, और ये आई थिंक 5 बजे आएगा। ओके, ये 5 बजे आएगा, तो यार देख सकते हो 4 तारीख आपको, तो कब अपन को क्या करना भैया? ओके, ये तो हो गया, मेरे को तो अभी जोसा के अंदर सीट मिली हुई है, और हमने 35,000 भी फिल कर दिया, 40,000 भी दे दिया। ओके, अब क्या करें? जैसे ही, अब सुनो कान खोल कर ध्यान से, जैसे ही सीट अलॉटमेंट होता है आपको स्पोर्ट राउंड के अंदर 2 तारीख को, ओके जाके जोसा की वेबसाइट पे अपनी सीट विड्रॉल कर लो, पैसा तुम्हारा वापस आ ही जाएगा, IIST में सीट मिल जाएगी, जो तुम्हारी सीट वैकेंट रहेगी वो डायरेक्टली CSAB फिल कर देगा। ओके, क्योंकि CSAB का 2 राउंड होने वाला है। ओके, मुझे पता है कि फर्स्ट राउंड में तो अलॉटमेंट आ जाएगा ना, तो फर्स्ट तो होगा नहीं। हाँ, तुम्हारा जो एडमिशन है वो, तुम्हारी जो सीट जो भरी जाएगी ना वो सेकंड राउंड के अंदर भरी जाएगी। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो ये तुम्हारी एक स्ट्रेटर्जी हो सकती है।
ओके अगर जोसा की फीस अगर वापस लेनी हो तो यार जोसा की कोई कम फीस नहीं है। ओके इंडिया के अंदर एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 99% जो पीपुल हैं 99% पीपुल वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर कोई नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं। तो यार उनको एक मिडिल क्लास फैमिली ही बोल सकते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए एटलीस्ट 60-70 हज़ार रुपये नॉर्मली नहीं होता, कम नहीं होता वो। ओके तो मतलब फीस यार अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हाई है जो जोसा वाला है। ओके तो जस्ट इस प्रकार से आपको वापस मिल सकता है, लेकिन हाँ मतलब आपको वैसे पता होना चाहिए कि आपके कितने मार्क्स हैं, क्या कंडीशन है। अब यार जिन बच्चों की रैंक अभी जो वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं 500, 600, 700, 300, 200, ओके तो उनको स्पोर्ट राउंड के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब भैया 200, 300, 400, 500 इतनी तो सीटें नहीं होती, 60 सीटें होती है, 1200 रैंक आ रही है जनरल कैटेगरी में। ओके जेन्युइन बहुत सारे पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं, ऐसा बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं, भैया मेरी जनरल कैटेगरी के अंदर आईएएस टीम में 1200 रैंक आई है, ओके तो क्या मुझे आईएएस टीम में मिल सकता है क्या? मेरे नीचे के जो 1200 बच्चे हैं उनमें से एटलीस्ट क्या बच्चे सीट छोड़ेंगे मेरे लिए? एक सीट, उतने बच्चों में से एक सीट क्या मुझे मिलेगा जनरल कैटेगरी से हूँ? ओके तो यार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके हमारे लिए भी जवाब दे पाना मतलब उनको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आई जस्ट क्यूट इट। ओके स्टूडेंट ठीक है, तो यार जिन बच्चों को एटलीस्ट अपने जो भी फर्दर काउंसलिंग वगैरह जो भी लोग करते हैं, वैसे तो बहुत कम लोग मिलेंगे आईआईएसटी के रिगार्डिंग। ओके कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जस्ट लाइक आईआईएसटी में पढ़ रहे हो, आईआईटीस के अंदर पढ़ रहे हो, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यार वो भी मतलब पढ़ाई करते हैं, कितने बच्चों का जवाब देंगे वो एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं रिप्लाई अगर टाइम मिले तो। अगर आप वो भी गारंटी नहीं है कि 100% श्योर सही ही जवाब करें। ओके बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न होता है, भैया हमें अगर श्योरिटी मिल जाए कि हमारा हो जाएगा। ओके और बहुत सारे बच्चे परेशान है बहुत ही ज्यादा कि भैया मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया है, 2 साल का ड्रॉप लिया है, मैं जे ये एडवांस आगे नहीं दे पाऊंगा, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा, फैमिली की सिचुएशन ठीक नहीं है, अगर मैंने जोसा की सीट विड्रॉ कर दी यहाँ पे भी अगर सीट नहीं मिली, और अगर यहाँ पे सीट ने मिल जाती है जोसा की भी मिली हुई है, मेरी फीस का क्या होगा? बहुत ही ज्यादा यार कंजस्टिंग सिचुएशन चल रही है बहुत सारे बच्चों की। ओके तो इसके अंदर मतलब गवर्नमेंट को भी कुछ लेकिन हम तो क्या कर सकते हैं यार, गवर्नमेंट वाला का गवर्नमेंट का सीन है। ठीक है स्टूडेंट, ओके थैंक यू।